से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बहुत यूजफुल और सबके लिए बेनिफिट होने वाली है। इसमें जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो भी नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आजकल जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके क्लिनिक पर डेफिनेटली ऐसे केस जरूर फेस होंगे कि उनको हार्ट पेन और गैस्ट्रिक पेन के कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और उन पॉइंटों को आप समझें और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तभी आप ट्रीटमेंट और पेशेंट का ट्रीटमेंट और प्रॉपर अप्रोच और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ कर पाएंगे और पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन हार्ट पेन एंड गैस्ट्रिक पेन। हार्ट पेन मीन्स दिस वी कैन कॉल हार्ट अटैक। सो हम इन कुछ पाँच पॉइंट को मैंने डिफ्रेंशिएट करके आपको बताने की कोशिश की है और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम चलो हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में है, हम मैंने बात की है पेन के बारे में। जो हार्ट पेन, हार्ट अटैक का पेन है, वो एक्यूट ऑनसेट एक्यूट होता है, बहुत सीवियरिटी और वायलेंस की तरह होता है और व्यक्ति को काफ़ी इसमें टाइटनेस एंड हैवीनेस फील होती है। और हम कंपेयर करें गैस्ट्रिक पेन में, गैस्ट्रिक पेन में ये पेन शार्प और प्रिकिंग पेन होगा और इसमें व्यक्ति को बैठे या खड़े दोनों कंडीशन में पेन हो सकता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करें रेडिएट कि ये पेन कहाँ कहाँ तक रेडिएट करता है, ये पॉइंट बहुत देखने वाला है, इसको समझें। रेडिएट ये हमारे लेफ्ट साइड चेस्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट से लेके लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म तक रेडिएट होता है। कभी कभी ये जॉ तक भी जाता है। और यहीं देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक पेन का पेन है वो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट रहेगा और इस शोल्डर तक भी जाता है, बट रेडिएट नहीं होता है लेफ्ट हैंड में। ये सबसे डिफ्रेंशिएट करने वाला पॉइंट है। जो हार्ट अटैक यानी हार्ट पेन है वो रेडिएट होता है लेफ्ट आर्म में, बट गैस्ट्रिक पेन में नहीं होता, ये सिर्फ फ्रंट ऑफ द चेस्ट पर बना रहता है। अब हम बात करेंगे सबसे डिफ्रेंशिएट पॉइंट है स्वेटिंग। आपको हार्ट पेन में, हार्ट अटैक में स्वेटिंग, परफ्यूज स्वेटिंग पेशेंट को दिखेगी, जबकि गैस्ट्रिक पेन में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और इस तरह की कोई ऐसा स्वेटिंग वाला सिम्टम नहीं होगी। अब हम फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं नॉजिया, वोमिटिंग, गिडीनेस। हार्ट पेन में आपको ये देखने को मिलेगी, बट गैस्ट्रिक पेन में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें नॉजिया वोमिटिंग भी रहेगी, बट इसमें गिडीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी गैस्ट्रिक पेन में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्ट इन ब्रीथ और घबराहट। इसमें हार्ट पेन में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत और घबराहट होती है, जहाँ तक कि गैस्ट्रिक पेन में डिफिकल्ट ब्रीथ और गैस डिस्टेंशन होगा। जब पेट में गैस भर जाएगी और उस गैस का प्रेशर उस हार्ट पे पड़ेगा, तब तो व्यक्ति को उस टाइम सांस लेने में दिक्कत और घबराहट महसूस होगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आपकी क्लिनिक पे वो मरीज आ रहा है तो आप हिस्ट्री से भी पता लगा सकते हैं। मान लो यदि हार्ट अटैक का पेन है तो आप व्यक्ति से हार्ट डिजीज के हाइपरटेंशन हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कोई हार्ट की कोई सर्जरी तो नहीं है, कोई ऐसा भी ट्रीटमेंट ले रहा है। उसी प्रकार से हम गैस्ट्रिक पेन में देखेंगे कि व्यक्ति इंडाइश काफ़ी लंबे टाइम से इंडाइजेशन से पीड़ित तो नहीं है या कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित तो नहीं है, इस तरह की हम उससे हिस्ट्री ले सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन वाइज देखें, यदि हार्ट पेन है, सस्पेक्टेड हार्ट पेन है, तो हम उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो हम सिंपल से किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाएंगे तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर एडवाइस करेगा पेशेंट को ECG और PROBT, इन दो टेस्ट हैं। यदि व्यक्ति को कुछ भी हार्ट या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन चेंज आए होंगे तो इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। और सबसे दूसरी बात, यदि व्यक्ति को सॉर्बिटेट एक टैबलेट आती है 5 mg, उसको सबलिंगली पेशेंट को हम दें तो उसको रिलीफ होगा। तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसको कोई कार्डियक पेन रहा होगा या इसको है। और दूसरे हम बात करें, यदि गैस्ट्रिक पेन है उसको रेंटेक या पेंटोसिड या एंटासिड हम उसको एडवाइस कर दें तो उसको गैस्ट्रिक पेन से रिलीफ हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ नॉन कार्डियक पेन्स भी होते हैं
जो हार्ट बीट से डिफरेंस करते हैं, जिसमें नॉन कार्डिक पेन में स्पोंडिलाइटिस, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, मसल्स पेन भी हो सकता है, जो मसल्स को टाइटनेस करता है उस वजह से भी व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है और इट्स लुक लाइक ए हार्ट पेन। तो इन पॉइंटों को आप इसको समझ सकते हैं, इन पॉइंटों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस अप्रोच कर सकते हैं पेशेंट को और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट और रेफर टू हायर सेंटर, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो मैं आशा करता हूँ कोई आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिले और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल मीन्स आपका चैनल, आप इस चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।